आप ही तो कहते हैं ना कि असली ज्ञान पुस्तकों से नहीं अनुभव से मिलता है। इतना हट ठीक नहीं है बाजी। जो हट ही नहीं वो मराठी नहीं। यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, पढ़ाऊंगा अवश्य। वो इतनी खतरनाक जगह कैसे जाएंगे? उनके पास तो रक्षा के लिए मेरी तरह दूध की दांत भी नहीं है। हमें नहीं लगता कि बाबा भाव को अपने साथ लेकर जाएंगे। बात को समझ बाजी। अब तक तू तेरे गांव में था, तेरे मित्र, तेरी ये आई, तेरे भाई बहन सब तेरे साथ थे बाजी। दौलताबाद तेरे बाबा के लिए भी नया स्थान है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहाँ अगर तू संकट में फंस जाए तो तेरे बाबा तुझे नहीं बचा पाएंगे। अब ऐसी जगह तेरी आई तुझे कैसे जाने दे सकती है सांग? आई, तुम्हें तो मुझे निडर बनाने के लिए मेरे सबसे बड़े डर को मेरे सामने खड़ा कर दिया था ना। और अब तू चाहती है कि जिस शत्रु से मैं जीत चुका हूँ उसी से फिर से हार जाऊं? आई, तू मेरी शक्ति है, मेरी कमजोरी मत बन। यदि तूने मुझे रोका तो मैं यही समझूंगा कि गुरुजी की तरह तुझे भी ना मुझ पर विश्वास है और ना ही मेरे सपनों पर। बाजी, मुझे तुझ पर विश्वास है। विश्वास दिखा आई। अरे पर तुम मुझे जाने दे। बाजी मत। मेरे पास समय कम है आई, इसीलिए मुझे अपनी चाल समय की चाल से तेज करनी होगी। मैं एक दिन में अढ़ाई दिन जीऊंगा, एक रात में अढ़ाई रात जागूंगा और उन मुगलों को हरा कर रहूंगा। तो मैं जाऊं ना आई? विजय बाबा खास बाजी और हम आज ही रवाना होंगे। मैं भाई साहब और दोनों बच्चों को सुरक्षित सासवड़े पहुंचाने का प्रबंध करता हूं और कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ आपको सतारा की सीमा पर मिलूंगा। बर भाव, मेरे जैसे दूध की दांत नहीं है तो क्या हुआ? ये मिर्ची रख लो, यदि दौलताबाद में किसी मुगल को, किसी नारे को सताते हुए देखो तो उसकी आंखों में डाल देना। भाव, आप जीवन से सीख लीजिए, जो बचेगा हम पुस्तकों से सीख लेंगे। गोटिया को बताना कि दौलताबाद से उन मुगलों को भगा कर ही लौटूंगा। औरंगजेब ने हमारे घर पर हमला करके हमें जिस युद्ध के लिए ललकारा है वो उससे बहुत भारी पड़ेगा। दुश्मन हमसे संख्या में बड़ा है और बल में भी, इसलिए हमें सहायता लेनी होगी। पर रानी साहब, मुगलों के विरुद्ध हमारी सहायता करेगा कौन? मौसम गर्म, हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। बस हमें औरंगजेब की सेनाओं पर चारों तरफ से आक्रमण करना है और उन्हें यहां सूखे बंजर जमीन में ढकेल देना है। उसके बाद उन्हें हम नहीं उनकी प्यास मारेगी। औरंगजेब सोच रहा होगा कि उसने हमारे दिल में दहशत बिठा दी है, पर हमारे दिल में प्रतिशोध की आग है जिसमें डर, दहशत सब कुछ जलकर राख हो चुका है। अब हम औरंगजेब के वार का जवाब देंगे। दहशत, अब अगला हमला दर्द देगा। दर्द, अब इससे पहले कि तारा रानी साहेब पलट कर वार करें, आप उनकी कमजोरी, उनके खजाने पर धावा बोल दीजिए।
उनके तमाम तिजारती ठिकानों पर ऐसी बर्बादी फैलाई कि मराठी हुकूमत को ना तो किसानों से लगान मिले ना व्यापारियों से महसूल। चाहिए हम देखते हैं कि भूखे पेट सिर्फ मुल्क की मोहब्बत के सहारे ये मराठियों की फौज कब तक लड़ती है। मंदार, वज्र, वासु, विठल, त्रिलोकेश, भैरवगढ़ में आपकी वीरता और देश प्रेम ने हमें बेमोल खरीद लिया बालाजी साहेब। हमारे पास मात्र तीन चीजें हैं, प्राण, साहस और तलवार। आज से ये तीनों आपकी हुई। भाई रक्त सूत्र में बंधे होते हैं और हम सब देश प्रेम के सूत्र से बंध रहे हैं। जो रक्त की किसी भी लकीर किसी भी पुकार से ऊपर है। अलग अलग थे सब भैरवगढ़ में और आज से मन वचन कर्म तीनों से एक रूप होंगे। इस पल से लेकर दौलताबाद की मुगल अत्याचार की मुक्ति तक हमारे प्राण और पहचान सब एक है। हमारे शत्रु भय से कांपती हुई आवाज में बस हमें एक ही नाम से बुलाएंगे, मातृभूमि के रक्षक। बाबा मुझे भी यह चाहिए। ये सम्मान है बाजी, यानी सम्मान चाहने से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। स्वयं को योग्य सिद्ध करो, उसके पश्चात इसे धारण करने का स्वप्न देखना है। चला बालाजी। मेरा सुझाव है कि आज रात यहीं पड़ाव कर लेते हैं, कल सुबह दौलताबाद के लिए निकले। कोई विशेष कारण? आपकी प्रतीक्षा करते हुए यहाँ हमने कुछ यात्रियों से बात की तो पता चला कि आज दौलताबाद के हालात ठीक नहीं है। दौलताबाद के हालात ही तो बदलने हैं काका। जब तक हालात नहीं बदलेंगे हमारी हालत कैसे बदलेगी? सही कह रहा है बाजी, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चला कैसे शत्रु हैं बाबा, जो निर्दोषों को भी तड़पा तड़पा कर मारते हैं और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ते, ना जीवन का सम्मान करते हैं और ना ही मृत्यु का। सत्ता उचित अनुचित का अंतर नहीं देखती बाजी, मणि निरंकुश सत्ता उचित अनुचित तो क्या, पाप पुण्य का अंतर भी नहीं करती। उस मिट्टी की सौगंध खाता हूं कि जिसने भी मेरे देशवासियों के साथ यह अत्याचार किया है उसे इन अत्याचारों का दंड अवश्य मिलेगा।
बोलो मसूल दोगे कि नहीं, बोलो। मत मारो इन्हें, छोड़ दो। मेरे बाबा को छोड़ दो, मेरे बाबा को छोड़ दो। जरूर छोड़ दूंगा। बच्चे किसी भी मुल्क का आने वाला कल, उसका मुस्तकबिल होते हैं। और ये देखो, मराठियों का आने वाला कल कैसे पाले खां के कदमों में पड़ा है। अपने बाप की जिंदगी चाहिए ना तुझे, तो समझा इसे कि मुगलों को मसूल दे। तुम लोग क्या कहते हो मसूल को? कर कहते हो ना? तो जिस किसी से भी हमें कर नहीं मिलेगा, अगले ही दिन उसका सर नहीं मिलेगा, समझा? तुम्हारे पिता का निर्देश नहीं है, सर सूबेदार का आदेश। निर्दोषों को छोड़ दो। आत्मसमर्पण कर दो। ये भाला तेरी हद है मराठी, इसे पार करने की भूल मत करना। मराठी जब अपने पे आता है तो हद क्या, सरहद भी पार कर जाता है। हमने हद नहीं सीखी खान, प्यार करें या नफरत करें, जो भी करते हैं बेहद करते हैं। बाले खान से ऐसी बात करने वाला तू है कौन? दौलताबाद के नए सर सूबेदार बालाजी विश्वनाथ भट्ट। ओ सर सूबेदार साहिब, आदा। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले हमें मुगल सल्तनत के लिए मसूल तो वसूल कर लेने दीजिए। मसूल कर डाका नहीं होता खान, प्रजा के पालन की जिम्मेदारी होता है। कर लेने का अधिकार मात्र उसी को है जो कर प्रजा की रक्षा एवं उसके कल्याण में लगा है। जो तुम मांग रहे हो वो कर नहीं है, डाका है। और इस भूमि की जलवायु डाकुओं के लिए अच्छी नहीं है। अब भी यदि कर लेने का हट करोगे तो हम सर लेने का हट कर बैठेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले एक बार पीछे मुड़ के तो देख। अब पाले खान तुमसे इस शहर में आने का महसूल कर लेगा सर सूबेदार साहेब। जो कुछ भी तुम्हारे पास है यहां निकाल कर रख दो। पाले खां के सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? कौन है तू? पुत्र है हमारा बाजी। मैंने तुम्हारे चारों ओर तेल फैला दिया है।
किसी भी आदमी को छुआ तो तुम इस आग में जलकर राख हो जाओगे। अब भी समय है, समर्पण कर दो। जान नहीं लेंगे हम तुम्हारी, कानून के अनुसार दंड देंगे। कानून? यहाँ के कानून को तो पाले खान कब का हुक्के में डालकर फूंक चुका है। अब यहाँ सिर्फ मेरी दहशत है, दहशत। तो आज इस दहशत को राख होना होगा। तबाद आकर बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ मराठी आते तो हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं पाले खां की मर्जी से। तो फिलहाल हमारी मर्जी सुन, जान प्यारी है तो अपने लोगों से बोल कि हमारे साथियों को छोड़ दे। छोड़ दो इन्हें। बाबा, मुझे लगा कि आप लोग संकट में हैं और इसलिए मैंने कि ये सम्मान है, और सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। आज तुमने सम्मान कमाया है बाजी। आज से तुम भी मातृभूमि के रक्षक हो। पहले तुम्हें तुम्हारी वीरता के लिए सम्मान मिला था, अब तुम्हें अपने नायक के आदेश की अवहेलना करने का दंड मिला है। एक मातृभूमि का रक्षक कभी अपने नायक के आदेश का उल्लंघन नहीं करता। भूल जाओ कि हम तुम्हारे पिता हैं बाजी। पिता पुत्र संबंध घर में, यहां हम तुम्हारे नायक हैं। इसलिए अब से ना तुम कभी अपनी मर्यादा भूलोगे और ना ही कभी अपना कर्तव्य। Okay.